दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल, शायद आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें। अच्छा सुंदर जानकारी हमेशा पाने के लिए तो चलिए कमाल की वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों, कि सुंदर जानकारी आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। सवाल नंबर एक, किस मछली को खाने से शुगर की नामो निशान तक मिट जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है कि भाई एक ऐसी मछली होती है कि उसको खाने से शुगर की नामो निशान तक शरीर में नहीं होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपको हो गई है शुगर तो 6 महीना अगर केवाई मछली लगातार खाते हैं दोनों टाइम तो आपकी शुगर की नामो निशान तक मिट जाएगी। दोस्तों सवाल नंबर दो, घर में बरकत कब होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें अच्छा सुंदर जानकारी हरदम हर वक्त पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है जब कोई भी काम लगन से होता है, मन लगा करके होता है तो घर में बरकत होती है, नहीं तो बरकत नहीं होती है। इसीलिए घर में बरकत होने के लिए कोई भी काम लगन से करें, ध्यान से करें और सोच समझ करके करें। दोस्तों सवाल नंबर तीन, घर में कूड़ा कचरा रखने से क्या नुकसान घर में होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें अच्छा सुंदर जानकारी पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है लक्ष्मी माता निराश हो जाती है घर में कूड़ा कचरा करकट रखने से, इसलिए घर में कूड़ा कचरा ज़्यादा दिन के न रखें, सर सफाई रखें कि माता लक्ष्मी आकर के निवास करने लगे घर में, और फल फूल का पेड़ जरूर रखें घर में। सवाल नंबर चार, मटर छेमी किसको नहीं खाना चाहिए? दोस्तों भूल करके भी। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें अच्छा सुंदर जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है अस्थमा वाले को रोगियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मटर छेमी अगर आप खाते हैं, अस्थमा की बीमारी है, सांस फूलने की बीमारी है, डांड पीठ में दर्द है, सर्दी जुकाम है, तो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तुरंत पैसा बीमारी में लग जाएगी। सवाल नंबर पाँच, फूल गोभी किसको नहीं खाना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें अच्छा सुंदर जानकारी हरदम पाने के लिए। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है सांस फूलने वाले रोगियों के, यानी अस्थमा है, डांड पीठ में दर्द है, तो आपको नहीं खाना है, नहीं तो एक बार खा करके देखिएगा, 2-3 दिन अगर आप फूल गोभी खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम बुखार तुरंत होगी। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें खुशहाल रहें।